तो दैत्यो का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई, मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे। एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बंपर जीत से कंगना रनौत खुलकर सामने आ गई और उन्होंने विपक्षी गठबंधन MVA को दैत्य, मूर्ख और ना जाने क्या क्या कह दिया। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने कहा, मैंने उद्धव ठाकरे की इतनी बड़ी हार की ही उम्मीद की थी। हम सभी ये पहचान सकते हैं कि कौन देवता है और कौन दैत्य। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं या उनके कल्याण के लिए काम करते भी हैं या नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह, और मेरे काफ़ी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन दैत्य हैं। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं, उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है, मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कांग्रेस पर PM ने सिर्फ परिवार और लड़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया, कैसे देखते हैं? उनको भी एक पब्लिक से काफ़ी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है, ये देश बड़े ही बलिदान देकर देश बना है, और किसी के ऐसे कहने से या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे। मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि संभल में एक मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए एक टीम जाती है, उसके ऊपर पथराव हो जाता है, आज सुबह की घटना है, इस पर आपका क्या? आग जनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है संभल में, तो इससे हमें साक्षात देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में, ऐसे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। तो खैर, मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। हिमाचल में भी हम लोगों ने इस चीज़ की निंदा की है, तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ। मैम, माय लास्ट क्वेश्चन, ये प्रियंका गांधी वाड्रा भी जीती हैं वाइट हाउस से, क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनको शुभकामनाएं।